इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की मुख्तलिफ़ मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे जब हम मॉडिफिकेशंस की बात करें एक्सोस्केलेटन के अंदर तो क्या होगा कि मॉडिफिकेशंस किस स्ट्रक्चर में होंगी प्रोक्यूटिकल में होंगी प्रोक्यूटिकल जब हार्ड होगा तो दिस प्रोवाइड्स नॉर्मली आर्मर लाइक प्रोटेक्शन टू द आर्थ्रोपोड्स और ये प्रोटेक्शन जो है या इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है क्योंकि आर्थरोपोर्ड्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटैट्स में या मुख्तलिफ मोड ऑफ लाइफ को स्पेंड करना होता है और ये उनके लिए ज़रूरी है लिविंग के लिए ग्रोथ के लिए और उनको अपनी प्रीमिस के अंदर अपने आप को कन्फाइन करने के लिए अब ये इन्वेजिनेशनस किस तरह से हो सकती हैं इन्वेजिनेशनस एक्सोस्केलेटन की नॉर्मली दे फॉर्म थर्म्रिजिज एंड बार्स फॉर मसल अटैचमेंट इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो इस तरह से हो सकती हैं कि दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स फिर एक इसके अंदर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसको हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहेंगे दिस इज आल्सो प्रेजेंट जहाँ पर प्रोक्यूटिकल जो है वो थिनर है या लेस हार्ड दूसरी मॉडिफिकेशंस के अंदर एक्सोस्केलेटन में क्या क्या हो सकता है कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस भी होंगी जिसके रिजल्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं जिनको हम सेंसिला कहेंगे ये किस फॉर्म में हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेग्स, ब्रिसल्स एंड लेंसेज फिर इनकी मॉडिफ़िकेशन जो हैं एक्सोस्केलेटन की दे आल्सो परमिट द गैस एक्सचेंजेस इस डायग्राम में आप देखें इसकी मॉडिफिकेशन जो है एक्सोस्केलेटन की वो किस किस शक्ल में हो सकती है अब यहाँ पे ए डायग्राम में आप देखें प्रोक्यूटिकल लेस हार्ड प्रोक्यूटिकल मोस्टली हार्डन और जो ऊपर वाली लेयर है वो है एपिक्यूटिकल इस इंसेक्ट में ये स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है हमें इसके क्यूटिकल्स को अब यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर जो लेग के साथ जो है इसका एक्सोस्केलेटन है इसकी मॉडिफ़िकेशन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन की शक्ल में मौजूद है अब आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थिनर है हार्डनड है प्रोक्यूटिकल है और फिर इसके अंदर जो इस वजह से मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होगा इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है जब वो होगी तो इसमें जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे तो ये एक इंसेक्ट टिपिकल इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइ से हम एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन को एक सिर्फ शक्ल में आर्टिकुलर जो कि आर्टिकुलर मोड है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अलावा बाकी आर्थ्रोपोड्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की मुख्तल शेप्स हैं लेकिन इस मॉड्यूल में सिर्फ हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से मॉडिफ़िकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में जो मसल्स हैं एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल्स इनकी कंट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी और उसी कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन से एनिमल जो है दिस विल शो इट्स मूवमेंट